गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी एग्जाम हुआ था आपका, FA1 हुआ। FA1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन टैग जो मैंने आपको कई बार समझाया था, उसमें मिस्टेक करी, उसमें गलतियां की है। तो मैं इस टॉपिक को एक बार फिर आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन टैग कैसे बनाए जाते हैं, इसको आप फिर से सीख लें प्लीज। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन टैग में आप देखिए, रोहित कांट कैरी टू बैग्स अलोन, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इन दो चीजों का रोल है क्वेश्चन टैग बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे किसी को नहीं देखना है आपको, इसको देखिए, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ रोहित है, नाउन है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग में कभी नाउन लिखा नहीं जाता, क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन। तो रोहित क्या बन गया, ही, पहले आप ही बना लें। अब क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए पहले वर्ब आएगा, कांट कैन क्या कैन ही, क्यों कांट हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव है, जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, समझ में आ गए। तो यहां दो बातें सीखी आपने, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना, नंबर टू निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, सेंटेंस निगेटिव होगा वहां पॉजिटिव बनेगा। सेकंड है, सेकंड सेंटेंस के देखे, ये हो चुका आपका, ये सेकंड देखें, दे ब्रॉड, आप यहां से बनाएंगे फिर, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, सब्जेक्ट दे, यहां पर दे ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसको आप यहां लिख दीजिए। अब आता है वर्ब ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म होने पर आप क्या करोगे, डिड से बनाओगे, कैसे बनाओगे, डिड, ये डिड, ये डिड से बनाओ, डिड लिख दिया आपने। हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टेक निगेटिव बनेगा, didn't they, बात क्लियर हो गई। ऐसे ही that is, अब यहां बनेगा, इन दो से बनाएंगे आप फिर, that is, अब is लिया आपने, सॉरी that यहां जाएगा, is आ गया, यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है is, तो हम इसी से बना देंगे, ठीक है। तो ये अब ये देखिए, आप ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव बनाएंगे आप, isn't that, मैं समझता हूँ आपकी ये बात समझ में आ जाना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें, यही आपका वर्क है, आज का वर्क यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस वुड मेक यू परफेक्ट। थैंक यू सो मच।